नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में आज दिनांक 20/1/2021 को जिला पंचायत बहुद्देशी सभागार में जिला अधिकारी श्री हरि प्रताप सहेवा SP विपिन टाडा द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया, जिसके दी टाइम ग्रुप लिमिटेड के प्रतिनिधि विजयेश मिश्रा भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ आपदा, अग्नि आपदा, ठंडा आपदा से बचने के लिए यह कार्यक्रम गांव-गांव, शहर-शहर, जगह-जगह इस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सदर तहसील बलिया के तहसीलदार श्री गुलाब चंद से जन मीडिया ने सवाल पूछा आज के कार्यक्रम के आपदा के बारे में जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने बड़ी बारीकी से बाढ़ आपदा के बचने के लिए, चाहे वह आकाशीय बिजली आपदा हो या बाढ़ आपदा हो, अग्नि आपदा हो, ठंड आपदा हो, इन आपदाओं से बचने के लिए विधिवत जानकारी दी और कहा कि इन उपायों से, इन सावधानियों से, इन आपदाओं से बचा जा सकता है। आइए सुनते हैं तहसीलदार श्री गुलाब चंद्र की जुबानी। प्राधिकरण के संबंध में जो आज चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आज इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे विधिवत जानकारी चाहता हूँ, थोड़ा आप बताने की कोशिश करें। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाइम्स ग्रुप के साथ जो है आपदा प्रशिक्षण हेतु एक तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया है और ये कोऑर्डिनेशन इस आधार पर आधारित है कि टाइम्स ग्रुप द्वारा जो है आपदा के बारीकी बिंदुओं को आम अधिकारियों जो इस आपदा से जुड़े हुए हैं और उनके अधीनस्थों को बारीकी से उसको पहुँचाया जाए कि किन किन बिंदुओं पर, किन किन आपदाओं में किस प्रकार की अलर्टनेस, जोखिम, तीव्रता और कम्युनिटी बेस्ड सहभागिता की आवश्यकता होती है। आज जनपद बलिया में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राज्य आपदा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जनपद के सभी तहसीलदार, उप जिलाधिकारी महोदय, स्वयं अपर जिलाधिकारी महोदय और अन्य विभागों के, पंचायती राज विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विभाग के और नगर पंचायत विभाग के अधिकारी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, जनपद बलिया प्रदेश के उन जनपदों में है जहां पर आपदा का जोखिम बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है। तो पिछले 3 साल से मैं जनपद बलिया में हूँ और मैं स्वयं उन परिस्थितियों का सामना किया हूँ कि बीच गंगा और घाघरा नदी के बीच धारा में हम नाव में बैठ करके और ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि नाव को ना आगे चलाया जा सकता है ना पीछे ले जा सकता है, आगे जाएं तो भी खतरा, पीछे जाएं तो भी खतरा, ये कहते हैं जोखिम। तो आज जो टाइम्स ग्रुप द्वारा अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो मैं अंदर से बाहर निकला हूँ देखने के लिए कितने बड़े हैं, तो यहाँ पर जो हजार्ड है, आपदा प्रकृत है, हजार्ड है, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसका नॉर्म्स है। अब भारत में 1947 की स्वतंत्रता के पहले किस प्रकार की आपदाएँ किस किस राज्य में आई थी, जैसे बंगाल का दुर्भिक्ष है 1943 में, 1932 में प्लेग आया था, 1872-73 में वारन हेस्टिंग के समय में बंगाल में बहुत, बंगाल, उड़ीसा और अवध बिहार में जो है बहुत भारी अकाल पड़ा हुआ था। इसी तरीके से पश्चिमोत्तर में महाराष्ट्र में भी अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, गुजरात में भी बाढ़ आए हैं। इन सभी आपदाओं में किस तरीके से ह्यूमन लॉस हुए हैं और उन ह्यूमन लॉस को टैकल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, भविष्य में अधिक ह्यूमन लॉस ना हो, उसकी पहले पूर्व तैयारी करने के लिए प्लान, प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो आपदा मैनेजमेंट का एक अंग है। जब 2005 में राष्ट्रीय आपदा एक्ट पारित हुआ था, नेशनल मैनेजमेंट एक्ट, क्लेमिटी एक्ट पारित हुआ था, तो उसके तहत केंद्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री, अनुभाग हमारा सेक्शन है, जो राज्य स्तर पर उसका कोलैबोरेशन किया गया है, जिसे आज टाइम्स ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग अनुभाग और जिला प्राधिकरण द्वारा संयुक्त संयोजन में ऐसा अभियान चलाया रही है कि राज्य स्तर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्राधिकरण से जुड़े ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि आपदा की पुनरावृत्ति न होने पाए और यदि हमारा प्लान इस तरीके का है कि हम आपदा को, क्लाइमेट को कम कर सकें, कौन कौन सी आपदाएं हैं जिसमें प्लान ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन कौन सी आपदाएं हैं जिसमें प्रोग्राम हमारा इस तरह का हो कि लोअर लिस्ट पर हम जो उसको प्रशिक्षित कर सकें, कौन सी आपदाएं हैं जो हम आपदा आपदा उसको ओवरकम करने के लिए भी प्रयास करेंगे, इसमें से प्लेग, हैजा, सूखा, बाढ़ और भूस्खलन, ये ऐसी नेचुरल हैजर्ड हैं, नेचुरल हैजर्ड हैं, नेचुरल आपदा क्लेमिटीज हैं, जिसके लिए हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। और दूसरे स्तर की आपदाएं हैं, जैसे आकाशीय बिजली हुआ, ठीक है, आकाशीय बिजली हुआ, शीतलहर हुआ, सूखा हुआ, साइक्लोन हुआ, आप समझ रहे हैं, इस टाइप की आपदाएं मिड टर्म की प्रोसेस होती हैं, ये अचानक आती हैं,
रैंडम आ जाती है, ऐसे किससे बचा जाएगा, इनसे कैसे हम ऊपर करेंगे? इनसे बचने के लिए हमको फॉरेन कंट्रीज में जैसे तमाम टाइप के चक्रवात साइक्लोन होते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है, ह्यूमन लॉसेस क्या है, किस तरीके से ओवरकम करेंगे, किस तरीके से प्लान प्रोग्राम बनाएंगे, इनके लिए हमको मिड टर्म की पॉलिसी की जरूरत है और शॉर्ट टर्म पॉलिसी की जरूरत है और लॉन्ग टर्म भी पॉलिसी जरूरत है। तीसरे प्रकार की अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदाएं घोषित की गई हैं, जिसमें से नदी में नाव का डूब जाना, सर्प डंश, बोरवेल की घटनाएं आप लोगों ने देखे होंगे, तमाम न्यूज पेपरों में आता है कि आज बोरवेल में बच्चा गिर गया है। ये तीन चार टाइप की जो आपदाएं हैं उनमें से देखा गया कि ज्यादातर ह्यूमन लॉस लगातार हो रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ द ह्यूमन लॉस इज ग्रेटर देन द अदर ह्यूमिडिटी। अदर ह्यूमिडिटी जैसे भूस्खलन हो गया, जैसे आपका उत्तरकाशी में बद्रीनाथ धाम पर भूस्खलन हुआ था तो बड़ी वास्ट में मैच लॉस हुआ है, ह्यूमन लॉस हुआ है, बट वो रैंडम होती है, कभी कदर आ जाती है। लेकिन ये रेगुलर आपदाएं हैं, सर्प डंप हुआ, आकाशी बिजली हुआ, नदी से नदी में नाव डूब जाना हुआ, और क्या कहते हैं सर वो क्या कहते हैं बोरवेल की घटनाएं हुई है, ये यदा कदा नहीं, रेगुलर हर साल आपको हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील ब्लॉक में, हर तालुका में आती रहती है। तो इनको काम करने के लिए किस तरीके से करें, ये ह्यूमन लॉ से जुड़ी हुई मोस्ट इफेक्टिव प्लानिंग है। जो आज का हमारा टाइम्स ग्रुप का जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग है, तो कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग में ये जो आपदाएं हैं जैसे आकाशीय बिजली हुआ, सर्प डंश हुआ और बोरवेल की घटनाएं, नदी में कैम में जानवर रहते हैं उनके लिए पशु विभाग लगा रहता है, कैम में जानवर को खाने के लिए चिकित्सा है, उनकी मेडिसिन है, आप समझ रहे, दैट इज द कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम और दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच आर अकर्स बाय द टाइम्स ग्रुप, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ द ट्रेनिंग एंड हाउ इज ऑर्गेनाइज, आई थिंक दिस बेस्ट ऑफ द एक्सेलेंस ऑफ द ट्रेनिंग और आई होप दैट दिस टाइम्स ग्रुप मे होप टू इन द फ्यूचर दिस ग्रुप कैन ओवरकम द कैन इरिगेट द टाइप्स ऑफ अकरेंस ऑफ द calamities and if this group can do it, I think it is better in India where that many calamities and occurrence at a more time in the future. For example, in the post pre-independent India, you have seen that from 1770 to up to 1942, there is many calamities is of different nature occurrence in India and more than 1 million people have been died in the different types of this calamities and after the India, the independence government has made a plan of the calamities and I think after 1975 when emergency was imposed in India, there is a some type of apda is occurrence in a different nature, like landslide and is this type. So this group I think is better to solve the problem, train the people, train the community peoples, train the officials involved in the communities, and I hope that if this dance group may fulfill their calamity, they fulfill their target, I hope that our official will definitely help the what he has gained from the training, and that's all. Whatever. धन्यवाद आपको, आपने जो बड़ी अपनी बारीकी से आपदा से बचाव के संबंध में आज जो आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। और उसमें 20-25 लोग ओवर क्षमता से बैठ गए हैं और नदी में समा गई नाव, तो ये कम्युनिटी बेस्ड आपदाएं हैं जिसमें ज़्यादा ह्यूमन लॉस होता है और इवन कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी अगर घर के कोई आदमी जा रहा है नाव पर 50 लोग बैठे हैं 50 का 50 आपदा में संक्रमित हो जाते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड जो आपदा का प्रशिक्षण है इसका बेसिक उद्देश्य है कि समाज में समुदाय में तरह तरह की समुदाय हैं, तरह तरह के समाज हैं, उनके सबकी नेचर, उनके सोचने की शक्ति, आपदा के प्रति उनकी इंटेंसिटी, आपदा के प्रति उनका भाव, ये सब अलग अलग होता है। तो हमको जो प्लान प्रोग्राम और प्रशिक्षण ये ट्रेनिंग का आयोजन करना है ये आपदा की इंटेंसिटी, आपदा की अकरेंस इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट मतलब कितने प्रकार के इवेंट कब कब अकर किए जाते हैं और सीजनल आपदाएँ, आपदाएं तो ये नेचुरल होती हैं और मानव मेड होती हैं, समझ चीज का, लेकिन इन नेचुरल और मानव मेड में सबसे निहित है सीजनल आपदाएं। सीजनल में होती ही होती अकरंस है, ठंडी में भूस्खलन भी हो जाता है, समझ चीज का, और आपका गर्मी में जो है अग्निकांड की घटनाएं होती रहती हैं, बरसात में आकाशीय बिजली होती रहती है, ये नेचर ऑफ द अकरेंस जो है एक सीजनल होती है जिसको ओवरकम करने के लिए हमको कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्लानिंग, ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा जिससे इसे कम किया जा सके। आज टाइम्स ग्रुप द्वारा जो ये
प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिपोर्ट भी किए गए हैं और उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो आपदाएं हो रही है, जो प्रशिक्षण आपदा के संबंध में दिया जा रहा है, उसको आप प्राप्त करें और उसको आपदा से होने से पहले, घटित होने से पहले किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे अभी बताया गया प्रशिक्षण में कि हेजर्ड, आपदा, इंटेंसिटी, ये तीन और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये चार ऐसी चीज हैं जिसको आप किस तरीके से कोरिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो है बहरिया में 2018 में और 2020 में, 2018-19 में लगातार जो है बाढ़ आई, 18 में बांध टूटने से बच गया, लेकिन 19 में बांध टूट गया। जब बांध टूट गया तो करीब एक दर्जन गांव प्रभावित हो गए। दैट इज बेस्ड ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड टाइप ऑफ आपदा, पूरी कम्युनिटी प्रभावित हो गई है। तो हमारी ट्रेनिंग इस तरीके को, हमारा प्रशिक्षक इस तरीके को, हमारा प्रशिक्षण इस तरीके को हो, हमारा कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग इस तरीके का हो कि उस 12 गांव की जो कम्युनिटी प्रभावित हुई है, हाउ टू ओवरकम इट, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे कैंप में ले जाएंगे, कैंप में उनको रखने के लिए हाउ मच फैसिलिटी नीडेड, कौन कौन सी फैसिलिटी हमको नीड कर जानी है। कैंप में ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है, कैंप में भोजन की आवश्यकता है, कैंप में क्लीननेस की आवश्यकता है, कैंप में मॉस्किटो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।